हेलो एवरीवन, चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको ये लाइट बना के बताने वाला हूँ। सो बेसिकली एक इमरजेंसी लाइट है जिसको आप कैंपिंग के लिए या फिर घर में भी यूज कर सकते हो जब कभी लाइट चली जाए अचानक से, और इसका बैकअप काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। लगभग आप इसको 7 से 8 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। इस लाइट को बनाने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप्स की कुछ शीट्स लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस टॉर्च का सबसे पहले बॉडी बनाकर रेडी कर लेता हूँ। अब हमको यहाँ पर कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फ्लैश लाइट ले रहा हूँ जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये आपको इजीली जो है 100 से लेकर 150 रुपये में मिल जाएगा। ऑफलाइन में आपको 100 रुपये के नीचे भी मिल जाएगा। बाय द वे, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हमको एक लेना है यहाँ पर पुश बटन जो कि कुछ इस तरीके से है, और ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और इसके एक साइड को जो है मैंने कट करके फ्लैट कर लिया है। वो मैंने क्यों किया है आपको आगे वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसलिए जो है आप आगे तक वीडियो को कंटिन्यू देखो बिना स्किप किए। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल ले रहा हूँ जो कि है TP4056 जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पर मैं एक पुरानी लैपटॉप की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है। अगर आपके पास ये वाली बैटरी नहीं है तो आप मोबाइल की बैटरी का भी यूज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, चलो अभी जो है इन सभी को जो है इस बॉक्स के अंदर फिट करते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी फ्लैश लाइट यहाँ पर पूरी बनके रेडी हो चुकी है और बस इसको फिनिशिंग देने के बाद इसको पेंट करना रह गया है। तो पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो फ्रेंड देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। सो फ्रेंड आपको बता दूँ, जब ये छोटी सी लाइट थी ना तो इसका बैकअप काफ़ी ज़्यादा कम था, लगभग आपको अगर आप इसको फुल ब्राइटनेस पर यूज़ करते हो तो 20 से 25 मिनट ही चलता था। तो इसकी वजह से मैंने इसको अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से आप इसको जो है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मतलब 7 से 8 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मस्त आपको बैकअप देखने को मिलेगा इसका और आप इसको जो है खुद ही घर पर बना सकते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो है आपको पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके बताया और दिखाया भी कि आप किस तरीके से इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड आई होप कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे और भी वीडियोस को जरूर चेकआउट करना और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।